हिमाचल विधानसभा चुनाव में ओपीएस का मुद्दा खासा सुर्खियों में रहा और कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया। वहीं अब कांग्रेस ने अपना वादा पूरा कर दिया है। हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस को लागू कर दिया गया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगा दी गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का ऐलान कर दिया है। आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है जो 30 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। आज पहली कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1,500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अनुरू सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनुरू सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में 1,00,000 रोजगार देने के लिए भी सब कमेटी बनाई गई है। 1,00,000 रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी।